देखना बेटा क्या कह रहा हूँ, यहाँ से मेरे पास सीधा सीधा एक स्टेप निकल करके आया, यहाँ से मैंने कितना कॉमन लिया रे, ए और डेल्टा बी कॉमन ले लिया, कितना बचा मेरे पास, पॉजिटिव क्वांटिटी तो है मेरे पास टी साइन बी, एक तो बचा मेरे पास टी साइन बी, माइनस मेरे पास कितना हुआ रे, डब्लू वन कोस बी हुआ। क्लियर, आगे चलता हूँ। माइनस मैंने यहाँ से क्या कॉमन लिया रे, मैंने यहाँ से एक तो बी कॉमन आ रहा है और एक डेल्टा सी कॉमन आ रहा है, डेल्टा सी कॉमन लेने के बाद मेरे पास कितना बचा भाई, मेरे पास सीधा हुआ एक तो हुआ डब्लू टू कोस सी और हुआ माइनस के टी साइन बी, टी साइन सी इज इक्वल टू है जीरो के। क्लियर, समझ आ चुकी बात। ओके, इस क्वांटिटी को उधर ले करके जा रहा हूँ, मेरे पास हुआ ए डेल्टा बी, ये हुआ मेरे पास टी साइन बीटा, सॉरी टी साइन बी माइनस डब्लू वन कोस बी बराबर, उस तरफ लेकर के गया मैं, ये हुआ मेरे पास बी डेल्टा सी और ये हुआ मेरे पास डब्लू टू कोस सी, डब्लू टू कोस सी माइनस के टी साइन कितना रहे सी। क्लियर, टी साइन सी और ये हुआ इक्वेशन नंबर ए, आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब आगे चलता हूँ बेटा, अब ध्यान से देखना जो मैं बताने की कोशिश करूँगा। एक इक्वेशन तो मेरी ये निकल गई, इसको मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर ए, मेरे पास मान लिया ये वाला पॉइंट जो है ना मैंने एन माना, ये मिड पॉइंट, ओके इसकी बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना बेटा। मेरे पास एक त्रिभुज सीधा सीधा ये निकल रहा है यहाँ से, ये तो पॉइंट है मेरा एन, ये वाला पॉइंट है मेरा ए और ये वाला पॉइंट है मेरा बी, पूरा ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ये जो पूरा ट्रायंगल निकला हुआ है और ये वाला एंगल मेरा कितना है रे बी है ना, ओके और ये वाली टोटल दूरी है मेरी टू ए, आपके सामने है ओके। मैंने यहाँ से ये वाली दूरी निकाली यहाँ से, क्लियर, मैंने इसके अंदर कंसेप्ट लगाया साइन बी साइन बीटा की वैल्यू निकाल रहा हूँ, साइन बीटा इज इक्वल टू मेरे पास होता है लंब बटे कर्ण, लंब तो ये होगा ए एन अपॉन कर्ण की वैल्यू होगी ए बी, मैंने ए एन की वैल्यू निकाली, ए एन बराबर ए बी की वैल्यू मेरे पास निकली टू ए साइन बी। क्लियर, इधर लिख रहा हूँ बेटा, ये वैल्यू मैंने निकाली, ए एन इज इक्वल टू मेरे पास कितना निकला टू ए साइन बी, समझ आ चुकी बात। अब एक ट्रायंगल और भी बना हुआ है, दूसरा ट्रायंगल मेरा ये बना हुआ है बेटा, इसको देखो आप, दूसरे वाला ट्रायंगल बना हुआ है ये, एक तो सी है, ये वाला पॉइंट मेरा एन है, ये वाला एंगल मेरा सी बना हुआ है, ये वाला पॉइंट मेरा ए है, ओके यहाँ से भी ओके, ये होने के बाद जो है मैंने यहाँ से भी ए एन की वैल्यू निकाली, ए एन भाई इसके सामने तो ये परपेंडिकुलर होगा ना, ओके मैंने यहाँ से वैल्यू निकाली बेटा, कितनी वैल्यू निकाली, साइन थीटा की वैल्यू निकालता हूँ, साइन सी की वैल्यू देखो आप, साइन सी बराबर क्या होगा रे लम बटे कर्ण, और ये टोटल दूरी कितनी है टू बी है, साइन सी की वैल्यू निकाली लम्ब ए एन अपॉन लम बटे कर्ण ए सी, ए एन की वैल्यू यहाँ से मेरे पास निकल करके आई कितनी निकली रे साइन सी इंटू ए सी, साइन सी की वैल्यू ए एन की वैल्यू कितनी निकली भाई, ए एन बराबर हुआ ए सी की वैल्यू है टू बी और ये हुआ मेरे पास साइन सी, एक ए एन की वैल्यू ये है एक ए एन की वैल्यू ये है, ध्यान से देखो, इसको मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर सी, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर डी, मैं कह रहा हूँ इक्वेशन सी व डी से, इक्वेशन सी व डी से दोनों वैल्यू बराबर हैं, कितना निकला टू ए साइन बी बराबर इधर कितना निकला टू बी साइन सी, मैंने इसको डिफरेंशिएट किया कितना निकला रे भाई टू ए साइन बी का डिफरेंशिएशन कोस बी डेल्टा बी इज इक्वल टू ये निकला मेरे पास टू बी साइन सी डेल्टा सी, टू से टू कैंसिल। क्लियर, आगे चलता हूँ, एक इक्वेशन तो मेरे पास आ रही है बेटा, ये ध्यान से देखना है, अब आपको रिजल्ट आने वाला है दो मिनट के अंदर अंदर।
एक इक्वेशन तो आ रही है आपके पास ये ए डेल्टा बी टी साइन बी माइनस डब्लू वन कोस बी बराबर आ रहा है मेरे पास कितना बी डेल्टा सी डब्लू टू कोस सी माइनस टी साइन सी। एक इक्वेशन तो आपकी पहले वाली ये ओके और यहाँ से मेरे पास सेकंड इक्वेशन जो आ रही है बेटा जब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया डायरेक्ट ये मेरे पास निकला ए कोस बी डेल्टा बी बराबर बी साइन सी डेल्टा सी। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर टू इसको मान लिया इक्वेशन नंबर वन ओके। मैं क्या कह रहा हूँ वन को डिवाइड किया मैंने सेकंड से ओके सीधा डिवाइड कर दिया मैंने डिवाइडेशन का निशान। चलो एक बार लिख रहा हूँ ए डेल्टा बी टी साइन बी माइनस डब्लू वन कोस बी को मैंने डिवाइड किया ए कोस बी डेल्टा बी से इससे इसको डिवाइड कर दिया उस तरफ क्या निकला बी डेल्टा सी। यहाँ मेरे पास कितना है भाई बी डेल्टा सी के साथ साथ ये है डब्लू टू कोस सी माइनस टी साइन सी को मैंने डिवाइड किया बी साइन सी डेल्टा सी से डेल्टा सी से डेल्टा सी ख़त्म बी से बी ख़त्म ए से ए ख़त्म डेल्टा से डेल्टा ख़त्म करो भाई डिवाइड टी साइन बी बटे कोस बी माइनस डब्लू वन कोस बी बटे कोस बी बराबर कितना निकला रे डब्लू टू कोस सी बटे साइन सी माइनस टी साइन सी बटे साइन सी कैंसिल क्लियर। यहाँ कितना निकला रे टी साइन थीटा बटे कोस थीटा टी टेन बी माइनस ये इससे कैंसिल आउट डब्लू वन ओके। ज़रा सी मिस्टेक की है बेटा मैंने यहाँ से देखो आप ज़रा सी मिस्टेक करती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। जब मैं इसको डिफरेंशिएशन करूँगा तो यहाँ मेरे पास जो निकल करके आएगा ना ये निकल करके आएगा टू बी साइन सी की जगह होगा कोस सी डेल्टा सी कोस सी डेल्टा सी। मैंने इसको डिफरेंशिएट किया था ना कोस बी डेल्टा बी इधर मेरे पास हुआ टू बी कोस सी डेल्टा सी ओके। और यहाँ जो है ये मेरे पास जो है वहाँ से यहीं से मैंने इसको नोटिस किया था ये मेरे पास होगा यहाँ पे टू बी से बी कैंसिल हो जाएगा ये मेरे पास कोस सी होगा ओके। अर्थात ये वाली क्वांटिटी मेरे पास कोस सी मैंने दोनों को डिवाइड किया इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है ये मेरे पास होगा यहाँ पे कोस सी ओके। और यहाँ से जब मैं इसके बटे में लाऊंगा ये मेरे पास होगा यहाँ पे कोस सी और यहाँ मेरे पास होगा साइन सी के बटे में होगा कोस सी क्लियर है ना। जरा सी मैंने यहाँ डिफरेंशिएशन नहीं करते हुए डायरेक्टली कर दिया था इसका डिफरेंशिएशन ये निकला इसका डिफरेंशिएशन ये निकला ओके। और ये मैंने करेक्शन कर दिया है ये नहीं है बेटा बी कोस सी है मैंने डिवाइड किया इधर कोस बी जो कहूँ है ये नहीं है कोस सी है ओके क्लियर है ना। ये भी नहीं है कोस सी है इधर वाला जो कहूँ आ चुका टी कोस बी माइनस के डब्लू वन इज इक्वल टू ध्यान से सुनना ये इससे कैंसिल कितना निकला डब्लू टू माइनस टी लिख रहा हूँ ऊपर है मेरे पास साइन सी नीचे है मेरे पास कोस सी क्लियर टी टी एक तरफ लाओ आप टी टेन बी प्लस साइन सी बटे कोस सी टी टेन सी इज इक्वल टू डब्लू वन प्लस के डब्लू टू ओके। मेरे को दे रखा है डब्लू वन प्लस के डब्लू टू इज इक्वल टू डब्लू के दे रखा है ओके। मैंने यहाँ से टी कॉमन ले लिया टी कॉमन लेने के बाद ये हुआ मेरे पास टेन बी प्लस के टेन सी इज इक्वल टू डब्लू वन प्लस डब्लू टू किसके बराबर है डब्लू के बराबर लिख भी रहा हूँ डब्लू वन प्लस के डब्लू टू इज इक्वल टू डब्लू के बराबर है ओके। टी का रिजल्ट चाहिए टी बराबर मेरे पास निकला डब्लू बटे ये हुआ टेन बी
प्लस के, ये हुआ मेरा टेन सी, और यही मेरे को रिजल्ट सिद्ध करना था। आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। ओके बाय।